आते जाई भाई बोला बाबा भांगी आती साई जय हिंद दोस्तों, कैसा सब दोस्तों। हम हैं फिलहाल बिहार के राजधानी यानी राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना रेलवे स्टेशन, और यहां से आज के हमारी जर्नी होने वाली ट्रेन नंबर 13228 राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना टू बिहार के सहरसा के बीच चलने वाली, हफ्ते के 6 दिन चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में फुल जर्नी एंड टू एंड फ्रॉम राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से बिहार के सहरसा के बीच। चले शुरू करते इस सफरों का। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस नए सफर को, नए रूट में फर्स्ट एंड सहरसा। तो दोस्तों, एक घंटे पहले हमारी ट्रेन को संट किया जा रहा है प्लेटफॉर्म एक राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन के इंटरसिटी एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल टू सहरसा। समस्तीपुर का WTN3 ये लोकोमोटिव पुल कर रहा है हमारी ट्रेन को। एक घंटे पहले संड किया जा रहा है, 6:15 डिपार्चर टाइम है, 7:15। कार एंड सीटिंग चेयर कार टस्क देख रहे हैं पब्लिक का, सब जनरल कंपार्टमेंट का भीड़ है इस ट्रेन का। तम होते जनरल स्टार्ट, ट्रेन रुकी नहीं, और लोगों को देख लीजिए जनरल कोच के लिए कितनी। अरे भैया काहे, अरे भैया काहे जान हथेली पे करते हो। देख लीजिए ट्रेन लगी नहीं, और देख लीजिए अभी चढ़ने के लिए मारा मारी इस जनरल कोच में। सब पूरी जनरल वे है, और देख लीजिए लोगों को देख रहे हैं। पता ही है जनरल कोच में ही करेंगे एंड टू एंड फुल जर्नी। सेकेंड सीटिंग जनरल कोच का भी कंपार्टमेंट है, और एक DL1 कोच, इस ट्रेन का DL1 कोच देख लीजिए। एक फाइनली लग चुका हो भैया इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म में एक। तो दोस्तों, फाइनली अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म में एक पे लग चुके हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक पे। चले इस ट्रेन का नंबर है 13228, हफ्ते के 6 दिन चलती है, संडे छोड़ के राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से बिहार के सहरसा के बीच। बाकी सुबह के निकलती है 7:15 पे, ठीक आपको दोपहर के 1:35 पे आपको छोड़ देती है सहरसा। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 212 किलोमीटर, और टाइम लेती है 6:20, तकरीबन 13 आउट के साथ एवरेज 33 और मैक्सिमम 100। बाकी ये ट्रेन हफ्ते के 6 दिन चलती है, संडे छोड़ के राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से बिहार के सहरसा के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस यही थी। तो दोस्तों, मेरे पीछे देख सकते हैं लालगुड़ा सेट का WAP7 लोकोमोटिव आज हमारी ट्रेन को पुल कर रहा है राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना टू सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस को, और इंडिया रेलवेज की काफ़ी पावरफुल मोस्ट WAP7 लोकोमोटिव है। और देखते हैं, चलिए बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ से देखते हैं 7:15 पे राजेंद्र नगर टर्मिनल के प्लेटफॉर्म एक से बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर सुबह के 7:15। तो दोस्तों, टाइम देख सकते हैं सुबह के 7:15 और बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से डिपार्ट करता हुआ। दोस्तों, सुबह की पहली किरण से मुलाकात करते हुए हमारी ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना यार्ड से निकलते हुए, और ब्यूटीफुल मॉर्निंग सनराइज। पटना कोटा एक्सप्रेस लगा हुआ है।
ऑलराइट, ये 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपने जर्नी का फर्स्ट स्टेट पे, पटना साहिब रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PNC। टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 370 यहाँ पर आउट, यहाँ से नई कोटे और ये टू मिनट बिहार के स्टेशन के दानापुर डिवीजन में। तो अपने टाइम का 2 मिनट का, पटना साहिब आए तो यहाँ गुरुद्वारा में जरूर विजिट करें। चलिए 2 मिनट का आउट है, चलिए यहाँ से देखते हैं पटना साहिब से अपनी ट्रेन का डिपार्चर ऑन टाइम। दोस्तों पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन को ओवरटेक करते हुए देख लीजिए, पूर्वा एक्सप्रेस। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन को ओवरटेक किया है पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से हावड़ा के लिए गया है, और पहला स्टॉपेज पटना साहिब में हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर दिया पूर्वा। तो दोस्तों अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका पटना साहिब से, देखिए डिपार्चर 9:39। तो ऑल राइट, ये 19 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपने जर्नी का सेकेंड स्टॉप है फतुहा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MUFUT। टोटल 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे सिस्टम है, ट्रेन है यहाँ पर कॉल करते हैं, यहाँ से 3 ट्रेन अर्जेंट में बिहार के सेंट्रल वे के दानापुर डिवीजन में आता है, बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट है। चलिए यहाँ से देखते हैं फतुहा जंक्शन से डिपार्चर। दोस्तों 2 मिनट होल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका फतुहा जंक्शन से। तो ऑल एट 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपने जर्नी का थर्ड स्टॉप पे बख्तियारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BKP। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 111 ट्रेनें पड़े आउट करते हैं, यहाँ से 3 ट्रेन और गेट मेट होते हैं बिहार के ईस्ट सेंट्रल के दानापुर डिवीजन में आता है, 2 मिनट का आउट है। चलिए यहाँ से देखते हैं बख्तियारपुर से डिपार्चर। दोस्तों 2 मिनट आउट के बाद अपनी ट्रेन का बख्तियारपुर जंक्शन से डिपार्चर हो चुका जंक्शन। तो दोस्तों कभी भी विदाउट टिकट की जर्नी ना करें, देखें ना जैसे बख्तियारपुर जंक्शन पे लोग उतर रहा है, वहाँ पे TT सर लोग ने टिकट चेकिंग शुरू है, तो इसीलिए बोला जाता है विदाउट टिकट की जर्नी कभी ना करें, उतरते आपको फाइन भरना पड़ेगा। कुछ में नहीं तो ऑलरेडी ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपने जर्नी का फोर्थ स्टॉप है बाढ़ रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BARH। टोटल 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 64 ट्रेनें पड़े यहाँ का आउट करते हैं, यहाँ से नई कोई ट्रेन अर्जेंट में बिहार के सेंट्रल के दानापुर डिवीजन में आता है, बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट और यूनिक चीज स्टेशन का नाम है भाई बाढ़। चलिए देखते हैं दोस्तों 2 मिनट आउट के बाद अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका बाढ़ स्टेशन से। तो ऑलरेडी 86 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपने जर्नी का फिफ्थ स्टॉप है मोकामा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MK। टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 110 ट्रेनें पड़े आउट करती, यहाँ से 6 ट्रेन और जेट वेट होते, बाकी बिहार के ईस्ट सेंट्रल के दानापुर डिवीजन में आता है, 2 मिनट का आउट है। चले यहाँ से देखते हैं डिपार्चर अपनी ट्रेन का। दोस्तों पूरे 2 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका मोकामा से, देखिए डिपार्चर। आधी रात जाई बे बोला बाबा भांगी आती साई बे। समस्तीपुर स्टेट का WAP4 लोकोमोटिव के साथ आ चुका हो, लोकल पैसेंजर ट्रेन, इस वजह से हमारी ट्रेन को जो है रोक दिया गया था।
देख लीजिए स्टेशन का पहले अराइवल, फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। इस ट्रेन के वजह से जो है हमारी ट्रेन को जो है रोका गया है बीच में, देख रहे हैं। चले मिलते हैं सीधे आपसे न्यू बुरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन नेक्स्ट स्टॉपेज। दोस्तों भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जूम करके मारिए एक बार। जाल मोदी दोस्तों नीचे हाथीदा जंक्शन और हम अपर बर्थ पे। दोस्तों सामने लगी हुई है राज्य रानी एक्सप्रेस जो कि सहरसा और पटना के बीच वो भी चलती है। उस ट्रेन का भी जर्नी बहुत जल्द आएगा और मुलाकात होती है भाई साहब सहरसा पटना राज्य रानी से न्यू बरौनी जंक्शन से पहले। पानी 10 रुपया भैया दोस्तों न्यू बरौनी जंक्शन से पहले यहाँ पे फिर से मुलाकात होती है कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस से, इसका भी जर्नी बहुत जल्द आएगा। बस सब्सक्राइब करे रखिए, बहुत जल्द इसका भी जर्नी आएगा कटिहार पटना। सामने जो यार्ड देख रहे हैं वो चला जाएगा आपको बरौनी जंक्शन, सामने ही है देख रहे हैं आपको सामने बरौनी जंक्शन है। ट्रेन न्यू बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे जा रही है और वो था पुरानी बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन और ये न्यू बरौनी जंक्शन की ओर हम चल रहे हैं। ये बरौनी 187 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपने जर्नी का 6 पे न्यू बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है NBJU। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 27 ट्रेन है यहाँ पर आकर होल्ड करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन अर्जेंट मेट्रो बिहार के ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीजन में आता है। अपनी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ड करता है और पहुँचिए 20 मिनट की देरी से।
और इस साइड लगी हुई है भागलपुर सूरत एक्सप्रेस। चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। दोस्तों जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस जो कि भागलपुर जा रहा है और जयनगर के लिए जा रहा है। और मुलाकात होती है न्यू बरौनी जंक्शन पे। दोस्तों भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस जो कि न्यू बरौनी जंक्शन पर मीट हुआ। दोस्तों 2 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है न्यू बरौनी जंक्शन से और यहां से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस है बरौनी जंक्शन। तो ऑलरेडी 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपने जर्नी का 6th-7th स्टॉपेज बिहार के बेगूसराय रेलवे स्टेशन जिसके स्टेशन कोड है BGS। टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे से 86 ट्रेनें पड़े आकर हॉल्ट करते हैं। यहाँ से लाइक कोई ट्रेन अर्जेंट में इस सेंट्रल वे के सोनपुर डिवीजन में आता है। चलिए 2 मिनट का हॉल्ट है, देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुके बेगूसराय रेलवे स्टेशन। तो चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन का वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं और इस ट्रेन का इंटीरियर की कैसा है कैसा नहीं। तो वॉशरूम में जाने से पहले सामने आपको देख सकते हैं मिरर है जो कि हालांकि साफ है। बेसिंग का हाल देख लीजिए, लोग गुटखा उटका खा के वैसे ही छोड़ दिए। सोप होल्डर दिया हुआ है, बाकी यहाँ पानी भी आ रहा है। नीचे डस्टबिन है, इस साइड 5 डस्टबिन और इधर डस्टबिन। वॉशरूम का कंडीशन कैसा है इस ट्रेन का इंटरसिटी एक्सप्रेस। आ चुके हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल सहरसा पटना इंटरसिटी में, देख सकते हैं वॉशरूम के अंदर देख सकते हैं मिरर जो है बड़ा सा है, साफ है। यहाँ आपको होल्डर दिया हुआ है कपड़े टांगने का चक, पानी भी आ रहा है, नीचे डस्टबिन दिया हुआ है, कम्बोर्ड दिया हुआ है देख लीजिए। देखते हैं इस ट्रेन का जनरल कोच का कंडीशन कैसा है राजेंद्र नगर पटना सहरसा इंटरसिटी में। देख सकते हैं लोग खड़े खड़े आ रहे हैं, पूरा गेट पे जो है जाम है क्योंकि भीड़ की वजह से। और ये रहा अपना कोच का इंटीरियर, चलिए चलते हैं बाकी देख सकते हैं। दोस्तों ये अपना कोच का इंटीरियर देख लीजिए, सेम कंडीशन है, बाकी उतना खास क्राउड है नहीं, जनरल कंपार्टमेंट है तो भरना ही चाहिए। बाकी कंडीशन फिलहाल ठीक ठाक है, इधर भी सेम वही कंडीशन है, इधर भी गेट पैक है पूरी तरह। और इधर का भी कंडीशन सेम है अपना जनरल कोच का देख लीजिए, सहरसा राजेंद्र नगर पटना और सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस का जनरल कोच इस साइड का भी सेम कंडीशन है। बाकी देख लीजिए इतना खास क्राउड है नहीं, और लगेज स्पेस दिया रहता है सामान वगैरह रखने के लिए। और दोनों साइड जो है आपको हैंगर भी देता है, बैक टैंगल के चार्जिंग सॉकेट इधर भी देता है और उस साइड 3 सॉकेट देता है चार्जिंग के लिए। बाकी ऊपर भी गद्दी दिया रहता है। बाकी यही है अपना इंटरसिटी एक्सप्रेस का जनरल कोच का हाल फिलहाल, तो सही है, बहुत ज़्यादा पैक था लेकिन कुछ कम हो गया। तो ऑल राइट गाइस 147 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपने जर्नी का 7th स्टॉपेज साहेबपुर कमाल जंक्शन रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है SKJ। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे, 22 ट्रेनें पड़े आकर हॉल्ट करते हैं। यहाँ अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, बिहार के इस सेंट्रल वे के सोनपुर डिवीजन में आता है 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्ट। दोस्तों 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुके साहेबपुर कमाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। साहेबपुर कमाल घर में खटिया पे बनेंगे, टेबुल पे बच्चा पे घर में खेल में कमर में खेल हवाई जहाज चलेंगे। तो
ऑलराइज ये 160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपने जर्नी का 925 बिहार के खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KGG। टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 117 ट्रेन है पर डेक, और यहाँ से 3 ट्रेन और जे टोमेटो इस रेलवे के सोनपुर डिवीजन में आता है। 5 मिनट का आउट है, चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। दोस्तों 5 मिनट आउट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है बिहार के खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो ऑलराइट, ये 170 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपने जर्नी का 10 बिहार के मानसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MNE। टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 69 ट्रेन है पौड़िया का, और यहाँ से नई कोई ट्रेन और गेट में इस रेलवे के सोनपुर डिवीजन में आता है, बिहार में पड़ता है। 3 मिनट का आउट है, चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। दोस्तों 5 मिनट आउट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है बिहार के मानसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, देखिए डिपार्चर। दोस्तों बागमती रिवर को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, देख लीजिए। दोस्तों फिर दुसारका बागमती रिवर को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, देख लीजिए। तो ऑनलाइन के 175 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपने जर्नी के 11th पे बदला घाट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BSB। टोटल 1 प्लेटफॉर्म का रेलवे, 18 ट्रेन है आप और यहाँ का आउट के, यहाँ से नहीं कोई ट्रेन और जीएट मेट्रो थे। इस सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में आता है, अपनी ट्रेन का 2 मिनट का आउट है, चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। तो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है बदला घाट रेलवे स्टेशन से, और छोटा सा रेलवे स्टेशन था, तो देखें कि अराइवल में पूरा स्टेशन कवर हो गया। चले मिलते हैं सीधे इसका नेक्स्ट स्टॉपेज, देखते हैं कौन सा है। 12 स्टॉपेज मिलते हैं। तो ऑनलाइन 188 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपने जर्नी का 12 स्टॉपेज कोपड़िया रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KF है। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 22 ट्रेन है पौड़िया का हॉल्ट, यहाँ से नई कोई ट्रेन और जीएट मेट्रो 2 मिनट का हॉल्ट है। इस सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में आता है, बाकी सेकेंड लास्ट स्टॉपेज है, चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। दोस्तों 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है कोपड़िया से। तो ऑनलाइन ये 195 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपने जर्नी का 13th पे बिहार के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SBP। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 41 ट्रेन है पौड़िया का, और यहाँ से नहीं कोई ट्रेन और जी एट मेट्रो थे, और ये पड़ता है बिहार के इस सेंट्रल के समस्तीपुर डिवीजन में। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ से 15 किलोमीटर के बाद डायरेक्ट मिलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन और सहरसा रेलवे स्टेशन। दोस्तों पूरे 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका सिमरी बख्तियारपुर से बचा। तो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से, और यहाँ से 15 किलोमीटर के बाद मिलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन अपने सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ट्रेन की साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई ठीक है, ये है कि इस ट्रेन में आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होने वाला है, हर वैरायटी का आपको सामान खाने को मिलेगा, है ना भाई। बाकी इसमें आपको हर चीज़ अवेलेबल है, खाने पीने से लेके
सब चीज़ ये है कि हर स्टॉपेज पे आपको लोकल वेंडर भी मिलेंगे भीड़, बाकी ट्रेन भी पंक्चुअल है, ऑन टाइम भी चल रहा है। और रही बात जर्नी एक्सप्रेस काफ़ी मस्त है, और ये जो रूट है हमारे लिए फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस है सहरसा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक बार आप लोग भी इस रूट में ज़रूर विजिट करें जो लोग अभी तक नई जर्नी किए। चलिए ट्रेन की भी पंक्चुअल है, काफ़ी मस्त ट्रेन है। तो मिलते हैं सीधे अपने फाइनल डेस्टिनेशन और सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जर्नी को एंड कर दें। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके अपनी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन ओल्ड, और इस ट्रेन की फाइनल डेस्टिनेशन बिहार के सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन। फर्स्ट टाइम काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस। तो दोस्तों पूरे 211 किलोमीटर की जर्नी कवर करके बिल्कुल ऑन टाइम हम पहुंच चुके हैं फाइनल डेस्टिनेशन ओल्ड सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और फर्स्ट टाइम आए हैं, काफ़ी मस्त। और रही बात इस ट्रेन की जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी मस्त था, और इस ट्रेन में आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हर स्टेशन पर आपको हर वैरायटी के जो है सामान मिल रहा है ट्रेन में, चलती ट्रेन में खाने पीने, तो टेंशन मत लीजिए, आराम से इस ट्रेन को बिंदास जर्नी कीजिए एक बार। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी मस्त था, एंड टू एंड पटना टू सहरसा के बीच। मिलते हैं फिर किसी और नई ट्रेन जर्नी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए बाय, अलविदा एंड जय। इंस्टा और फेसबुक को फॉलो कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन पाने और देखने के लिए और अपडेट पाने के लिए। यही थी एक छोटी सी ट्रेन जर्नी, एंड टू एंड फुल जर्नी। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और पहली बार आए हैं सहरसा तो काफ़ी मस्त लग रहा है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।